रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिउर लाए रघुपति किन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहां ते कभी को विद कही सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाय राज पद दिन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्री कामेली मुख माही जल दिलांगी गए चरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम्हार रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहु को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम्हार रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तू
मरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप सियावर, राम चंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो, उमापति महादेव प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो, बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। सदमिदृदे प्रसन्न प्रायु रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिरुजूयता देवानां रातिरविनो निवर्तता देवानां सत्यमुपसेति मा वयं देवान् आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयं पगं मित्रमदिभिं दक्षमश्रितं अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वतीन सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयोपवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौ तद्ग्रावाण सोमसुतो मयोभुवस्तदस्विना शृणुतं निष्णायुवं तमीशानं जगतस्तस्तुषस्पतिं नियं जिन्वमवसे भूमहे वयं भूषानूयत वेदसाम सद्हृदे रक्षिता पायुरतत्र स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषादस्वा मरुत वृष्णीमातरं शुभं यावानो विदधे सुजगमय अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णे विश्रूयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यचत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्ट्वांसस्तनूनि व्यसेम देवरितं यदायु शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवीशान्ति प्रापश्शान्ति रोषदयशान्ति वनस्पतयशान्ति विश्वे देवाशान्ति ब्रह्मशान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति देवारेव देवायज्ञे देवाइन्द्रः देवाहि भूषण देवाहि देवा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदस्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम।
कारुण्य रूपं करुणा करं सद्गुरु भगवान प्रिय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर अबिमल जस जो दायक गुरुदेव की नाई।
द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवभूषुत रथ अजिर बिहारी भूलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रिय विधि हरिहर कवि को बिद वाणी कहत साधु महिमा सकुचानी विधि हरिहर कवि को बिद वाणी कहत साधु महिमा सकुचानी सोमोसन कहि जातन कैसे साक बनिक मनि गुण गन जैसे सोमोसन कहि जातन कैसे साक बनिक मनि गुण गन जैसे विधि हरिहर कवि को बिद वाणी कहत साधु महिमा सकुचानी कहत साधु महिमा सकुचानी कहत साधु महिमा सकुचानी भूलिए हनुमान जी महाराज प्रिय बाप मेरी दृष्टि में त्रिभुवन तीर्थ तलगा जरड़ा के इस साधु स्थान में और इस गांव के केंद्र में जिसकी ध्वजा फहर रही है वो राम जी मंदिर के
इस गृह में भगवत कृपा से नौ दिवसीय राम कथा का आयोजन हुआ। मानस साधु महिमा, आज नौवां दिन, विराम का दिन, तो आज विराम के दिन की कथा के आरंभ में पुनः सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सियाराम। मानस साधु महिमा, इसको केंद्र में रखते हुए हम संवाद के रूप में कुछ सात्विक तात्विक चर्चा कर रहे थे। वैसे तो साधु महिमा अनंत है, अपार है, कोई उसी का पूर्ण रूपेण गायन नहीं कर सकता। फिर भी समय की सीमा में समेटना होता है, तब साधु के स्वभाव की, उसकी महिमा की साधुता की सप्त भूमिका की उपसंहारक चर्चा हम करें, इससे पहले कथा का क्रम संक्षेप में हम स्मरण में ले ले। कल अति संक्षेप में भगवान राम के प्राकट्य की गाथा गाई गई। काकभूषुंडी जी ने जिस रूप में राम कथा का गायन खगपति गरुड़ जी के सामने किया, इन्हीं पंक्तियों का आश्रय करके थोड़ा हम दर्शन कर ले। बाल चरित कही विविध विधि, मन महु परम उछाह, अरिशिया गवन कहे सिपुनी, श्री रघुबीर विवाह। बाल चरित करी विविध विधि, मन महु परम उछाह, ऋषियागवन कहे सिपुनी, श्री रघुबीर विवाह। परम बुद्ध पुरुष इच्छा मरण, बाबा काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के सामने भगवान के बाल चरित्र की विधिविध गाथा सुनाते हैं। नामकरण से लेकर के
विधि ग्रंथों में प्रभु की बाल लीला अंकित है। राम कथा के मनीषियों ने अपने अपने ढंग से उसका गायन भी किया है। भुसुंडी जी ने ये सब किया बहुत उत्साह के साथ। फिर ऋषि आगवन कहे सिपुनी, चार भाइयों की कथा कही और अब विश्वामित्र महाराज के आगमन की कथा सुनाते हैं। प्रसंग से आप परिचित हैं, सिद्धाश्रम गंगा के तट पर बक्सर में, बीच में श्री गंगा जी है एक तट पर, सिद्धाश्रम बक्सर यानी बिहार एक तट पर यूपी, वहाँ विश्वामित्र जी का सिद्ध आश्रम है। और वहाँ वो जप तप यज्ञ आदि साधना करते हैं। ध्यान दे, आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है, लेकिन आसुरी वृत्ति के असुरों के द्वारा इस सिद्धाश्रम को बार बार अशुद्ध किया जा रहा था। है सिद्धाश्रम, लेकिन मारीच और सुबाहु के द्वारा अनुष्ठानों में बाधा डाल करके बार बार अशुद्ध किया जाता था। यज्ञ में अमंगल पदार्थों की आहुतियां डाल करके बार बार विश्वामित्र जी की प्रत्येक साधना पद्धति को ये लोग खंडित कर रहे थे। मेरे गोस्वामी जी इस प्रसंग को लेते हुए बोले, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरगिन निसीचर पापी। एक बात और हम समझे, साधना करके हम सिद्ध बन सकते हैं अवश्य, साधना का फल सिद्धि है, लेकिन साधना के द्वारा प्राप्त सिद्धि को शुद्ध रहे वो हमारे कर्मों से नहीं होती, हरि कृपा से होती है। इसलिए अंत तो गत्वा विश्वामित्र जी को, चिंतित विश्वामित्र जी को निर्णय करना पड़ा कि हरि बिनु मर ही न निसिचर पापी। मैंने साधना के द्वारा सिद्धि तो प्राप्त की, सिद्धि तो विश्वामित्र जी ने कैसी कैसी प्राप्त की, एक नया स्वर्ग बनाने तक की आपकी उम्मीद। सिद्धि में तो कोई कमी नहीं, लेकिन आसुरी परिबलों के द्वारा जो बार बार इस अनुष्ठानों को अशुद्ध किया जाता था, विश्वामित्र जी को लगा कि ये अब हरि कृपा के बिना पूर्ण नहीं होगा। इसलिए गाधी तनय मन
चिंता व्यापी हरि बिनु मरही न निसीचर पापी। परमात्मा की कृपा बिना, परमात्मा के बिना ये पापी मरेंगे नहीं। एक दिन ध्यान में आपने देखा तो जिस तत्व की वो साधना कर रहे हैं वो परमात्मा दशरथ जी के आंगन में राजकुमार बनकर लीला कर रहे हैं। सोचा कि मैं इस बहाने अयोध्या जाऊं और दोनों भाइयों की मांग करके ले आऊं, निशिचरों का वध होगा, निर्वाण होगा, उसका भी कल्याण होगा, मेरा सिद्धाश्रम शुद्धाश्रम हो जाएगा, मैं सनात हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी मनोरथ करते करते अयोध्या आते हैं। सरजू जी में स्नान करके गए भूप दरबार, राजा के दरबार में पधारे। राजा ने बड़ा सम्मान किया। पूजा की, भोजन करवाया, पुत्रों को बुलाकर चरणों में प्रणाम करवाया। ध्यान में जो राम को देखा था उसको प्रत्यक्ष देखकर महाराज विश्वामित्र जी कुछ समय के लिए ठाड़े से रह गए। ये है लेकिन विश्वामित्र जी बहुत बुद्धिमान महापुरुष है, इसलिए जल्दी निर्णय नहीं कर पा रहे। अंदर से तो हो रहा है। महाराज दशरथ जी ने कहा, प्रभु आपने कृपा की, हम आपकी क्या सेवा करें। और तब विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सताव मोही मैं याचन आए नृपतो। असुरों का एक समूह मुझे सता रहा है, मैं आपसे याचना करने आया। प्रजा पीड़ित हो आसुरी तत्वों के द्वारा, साधु संतो दमित हो आसुरी तत्वों के द्वारा, तब राजा का और शासन का फर्ज बन जाता है कि उसकी रक्षा की जाए। इसलिए राजा में तेरे पास याचना करके करने आया। संकेत था, इशारा तो ये था कि कर्तव्य तो ये था आपका कि आप हमारे आश्रम में आकर पूछते, महाराज आपकी साधना वगैरह ठीक से चल रही है। वशिष्ठ जी की कृपा से आपका मनोरथ पूरा हो गया। चौथी अवस्था में आपको चार पुत्र मिल गए। और मानस की जो क्रम है उसमें तो लगता है कि दशरथ जी को जब पुत्र नहीं है, ये पीड़ा है, ग्लानी है, तब वो गुरुगृह जाते हैं, जाना चाहिए। लेकिन पुत्र प्राप्ति हो गई, बधाइयां हो रही, तब वो गुरुगृह नहीं गए। गुरु को बुलाया गया कि आप आइए, और गुरु कृपालु होने के कारण गए सामने से। रामचरितमानस के इस घटनाक्रम में फिर दशरथ जी गुरु के पास गए ऐसा उल्लेख नहीं है।
हाँ, राज तिलक करने का जब विचार आया तो फिर गुरु के पास जाकर ये बात समझाई गई कि ऐसा मैं चाहता हूं। राजा, आपका कर्तव्य था कि आप गुरुद्वार जाते बार बार, हमारी खबर लेने के लिए आप हमारे पास आते कि आपकी आपकी साधना स्थिति में कोई बाधा तो नहीं। राष्ट्र को जागृत करने के लिए जिसकी साधना चलती हो वहां आपका कर्तव्य, लेकिन आप नहीं आया तो मैं याचन आए हूं नृप तो ही, मैं आपसे याचना करने आया। और आपकी सेना लेने नहीं आया, आपकी संपत्ति लेने नहीं आया, आपसे कोई बड़ा सम्मान पाने के लिए नहीं आया, मैं आपसे मांग कर रहा हूं जो आपको चौथी अवस्था में आपके गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है, एक ऋषि की कृपा से प्राप्त हुआ है, एक यज्ञ के प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है, वो एक ऋषि के कार्य के लिए आप दो। अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर बध मैं हो सनाथा। इस रघुनाथ को अनुज के साथ मुझे दे दो, राक्षसों का निर्वाण होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। एक महात्मा को राजा के पास ये मांग करने के लिए जाना पड़े, ये दशरथ के लिए, ये रघुकुल के लिए जरा बात ठीक नहीं थी। साफ साफ मांग लिया दशरथ जी ने, कहा महाराज मैं सब कुछ दे सकता हूं, राम नहीं दे सकता। कथा से आप परिचित हैं, मना कर देते हैं, आप जो चाहे मेरे से ले ले, इस शरीर को प्राण से ज्यादा कोई चीज अधिक प्रिय नहीं, वो मैं एक निमिष में दे सकता हूं, लेकिन राम दे तो नहीं बने गोसाई। वशिष्ठ जी ने दरमियान गिरी की, राजन राम दे दो। राम केवल आपका ही एक व्यक्ति के रूप में आपका ही नहीं है, विश्व का है, और विश्वामित्र लेने आए हैं, उसको केवल आपके आंगन में बंदी न बनाओ। विश्व का कल्याण होगा, प्रभु आज्ञा तो अपेन है। राम लक्ष्मण सौंपते हैं, मां का आशीर्वाद लेकर दोनों भाई विश्वामित्र के कार्य के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में ताड़का आती है और प्रभु ताड़का को निज पद प्रदान करते हैं। मानस का दर्शन करने से पता लगता है कि कभी कभी इतने बुरे लोग मृत्यु में बहुत सफल हुए, और दुनिया में कभी कभी हम देखते हैं अच्छे से अच्छे लोग, उसकी मृत्यु ऐसी होती है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पूरी जिंदगी अच्छे काम की और बेचारे की मौत ऐसे हुई। और मानुष में कितनी मृत्यु ऐसी है जिसने जिंदगी भर पाप किया लेकिन मृत्यु में तो जीत गए। ताड़का
परमात्मा के पास से निज पद प्राप्त कर गई। जब प्रभु ने एक ही बाण से ताड़का को निज पद प्रदान किया, तब ऋषि पूर्ण रूपेण परमात्मा को पहचान गए कि ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है। अब अपने सभी आयुध राम लक्ष्मण को सौंप कर आश्रम में ले आए, बला अति बला आदि विद्या दे दी। दूसरे दिन सुबह में विश्वामित्र जी तो कहते ही नहीं कि यज्ञ का आरंभ करें, क्योंकि विश्वामित्र जी को लगा कि यज्ञ आदि करने से जो मिलना है वो तो ऑलरेडी मिल गया, अब मैं यज्ञ क्या करूं। लेकिन प्रभु ने वैश्विक संदेश देते हुए कहा कि व्यक्ति को यज्ञ नहीं छोड़ना। भगवद गीता हमें आदेश देती है यज्ञ दान और तप, परम की प्राप्ति हो जाए तो भी जब तक हमारा प्रारब्ध है हमें करते रहना। ये तीनों वस्तु यज्ञ दान और तप बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि को बार बार पवित्र कर रहे वाली वस्तु है। दान करें, तप करें, यज्ञ करें। हम रोज यज्ञ क्या करें? यज्ञ का अर्थ है थोड़ा जीवन में केवल स्व का ही विचार न करें, सर्व का विचार करें, स्वाहा करें। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, परमात्मा ने दिया है तो दान करें, और जीवन में विषम परिस्थिति आए तो तप करें, सहन करें। महाराज आप यज्ञ का आरंभ करें। यज्ञ का आरंभ होता है मारी चाहता है बिना फने का बाण मार कर प्रभु उसको शत योजन दूर लंका में पहुंचा देते हैं। उसके बाद सुबाहु को अग्नि के बाण से जला करके निर्वाण पद दे देते हैं। सिद्धाश्रम प्रभु की कृपा से अब शुद्धाश्रम हो गया, बार बार खंडित होता था पूरा हो गया। कुछ दिन रहे, अब विश्वामित्र जी से के कहने पर जनकपुर जाने की तैयारी हुई। राघव मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है, हम जाएं। और धनुष यज्ञ की बात सुनते ही हर्षि चले, मुनिवर के साथा प्रभु चल पड़े। रास्ते में श्री अहल्या जी का उद्धार किया, स्वीकार किया। अहल्या को समाज में प्रभु ने प्रतिष्ठित किया। बड़ा अद्भुत प्रसंग अहल्या जी का। परमात्मा की चरण रज प्राप्त करके तपपुंज अहल्या प्रकट होती है, कृतकृत्य होती है। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज पूजत जेहि अज मम सिर धरे उ कृपालु हरि। अहल्या पति लोक में गति कर गई।
भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि गणों के संग यात्रा आगे करते गंगा के तट पर आए। प्रभु ने जिज्ञासा की, भगवान ये कौन नदी है? और विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई। प्रभु ने गंगा स्नान किया, तीर्थों के देवताओं की पूजा की, दान किया। फिर यात्रा जनकपुर पहुंचती है। महाराज जनक जी सम्मान करके मुनिगणों के संग राम लक्ष्मण को मिथिला के सुंदर सदन में ठहराते हैं। सायंकाल को राम लक्ष्मण नगर दर्शन के लिए जाते हैं, यानी नगर को दर्शन देने के लिए जाते हैं। बड़ी रसमय कथाएं, पूरी नगरी राम के रूप में डूब जाती है। वैसे नाम रूप को मिथ्या मानने वाले ये वेदांतियों का गांव है, लेकिन राम की रूप माधुरी ने सबको रसमय कर दिया। गली गली बीथी बीथी में अवध के राज कुमारों की चर्चा चल रही है। शाम को संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर विश्राम करके दूसरे दिन भगवान राम गुरु पूजा के लिए जनक की पुष्प वाटिका में पुष्प लेने जाते हैं। वहाँ पहली बार किशोरी जी और प्रभु का मिलन होता है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। ये दो तो है नहीं, तत्वतः एक ही तो है, लीला में दो है। प्रभु के दर्शन को पाकर परवश हुई जानकी सखियों के कहने पर फिर भवानी के मंदिर में जाती है और माँ भवानी की स्तुति करती है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। माँ भवानी प्रसन्न होती है, राम आपको मिलेंगे, आशीर्वाद प्राप्त होता है। किशोरी जी सखियों के संग घर जाती है, प्रभु गुरु के पास जाकर पूजा करते हैं। ये दिन भी बीता। उसके बाद धनुष भंग का दिन था। सब रंगभूमि में आए हैं, सब स्वतंत्र प्रसंग है। कोई धनुष को कुछ नहीं कर पाया। ऐसी सभा में गुरु कृपा से गज पंकज नाल की तरह भगवान राम धनुष भंग करते हैं। जानकी जी जयमाला आरोपित करती हैं, जय जयकार होता है। हारे हुए राजा उदास राजा बलवा करने लगे। तब उसी समय परशुराम जी का आगमन होता है और भगवान परशुराम और राम का फिर संवाद चलता है। थोड़ा लक्ष्मण जी के साथ नोकझोंक होती है। बड़ी सुंदर कथा है। आखिर में घरे पटल परशुधरमति के परशुराम जी की बुद्धि के द्वार खुल गए प्रभु के मर्म वाक्य को सुनकर, और परशुराम जी भगवान राम की स्तुति करते हैं। जय रघुवंश
बनज बन भानु गहन दनुजे कुल दहन कृषानु जय सुरधैनु विप्रगितकारी जय मदमोह कोह ब्रह्महारी। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता क्षमगु क्षमा मंदिर दो भ्राता। प्रभु की स्तुति करते हैं दोनों भाइयों की क्षमा मांग करके परशुराम जी अवकाश प्राप्त करते हैं। यहाँ विश्वामित्र की सलाह के अनुसार पत्र लेकर दूत जनक अयोध्या जाते हैं। महाराज दशरथ जी बारात लेकर मिथिला आते हैं। माक्षर शुक्ल पंचमी गोरज समय पर राम जानकी भरत मांडवी श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न महाराज और उर्मिला और लक्ष्मण जी का लोक और वेद विधान से विवाह लग्न विधि संपन्न होती है। कुछ दिन बारात मिथिला में रुकती है और आखिर में बेटियों को तो विदा देनी ही होती है। मिथिला अपनी किशोरी जियों को विदा करते हैं और महाराज दशरथ जी सबको लेकर अयोध्या आते हैं। बाल चरित करी विविध विधि मन मह परम उछा ऋषि आगवन कहे सिपुनि श्री रघुबीर विवाह। पुसुंडी ने ये सब कथा सुनाई। दिन बीते अतिथि गण मेहमान गण विदा हो चुके। आखिर में महाराज विश्वामित्र जी विदा लेते हैं। साधु और असाधु की चर्चा करते हुए बालकांड में हमने कुछ दिन पहले बातें की थी कि दोनों दुख देते हैं। फर्क इतना कि असाधु आता है तो दुख देता है, साधु विदा लेता है तो दुख देता है। जब विश्वामित्र महाराज विदा होने लगे तो पूरा राज परिवार गदगद हुआ। सरजू तट पर बाबा को विदा करने गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी करहु सदा लरिकन पर छोहु दर्शन दे तरहब मुनिमो। हे भगवान, हमारी आध्यात्मिक भौतिक जो भी संपदा है दशरथ जी कहे आपकी है, मैं समग्र परिवार के साथ आपका सेवक मात्र हूं। हम आपके बच्चे, अनुग्रह करते रहिए और आप पर कोई दबाव नहीं, लेकिन साधना में जब हमारी याद आ जाए तो हमें दर्शन देते रहिएगा। मानस का अकाट सूत्र है मेरे भाई बहन, साधु के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते। मैंने पहले दिन से कहना शुरू किया साधु की महिमा का गायन करने से पवित्रता बढ़ती है। संत दर्श जिमी पातक टरे, मांग की हमें दर्शन देते रहे।
विश्वामित्र जी ने विदा ले ली। अयोध्या, जानकी जी और यहाँ चारों कन्याएं आई, उसके बाद समृद्धि की कोई सीमा नहीं। सिय रघुवीर विवाह जय सप्रेम गावहि सुनहि। मेरे गोस्वामी जी कहते सीता रघुवीर के विवाह की कथा जो प्रेम से गाएंगे सुनेंगे उसके मंगल प्रसंगों में उत्साह वर्धन होगा, क्योंकि प्रभु का यश मंगलायतन है। फिर अयोध्या कांड की कथा शुरू होती है। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर बिरह विषादा कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन के वट अनुरागा सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। मेरी व्यासपीठ ने कई बार कहा कि ये क्रम है, इतना सुख अयोध्या में, लेकिन अब इतना ही दुख आने वाला है। हम भूले ना, सुख दुख आते ही रहते, सापेक्ष है, मैंने बार बार कहा। लेकिन विनय के पद में गोस्वामी जी कहते हैं दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो। हे प्रभु मुझ पर कृपा करके मैं साधु स्वभाव में रहूं, ऐसी कृपा करो। और साधु स्वभाव में रहने का मतलब दुख और सुख में समबुद्धि से सहन कर लो। सुख के समय में मेरी बुद्धि कुछ हो और दुख के समय में मेरी बुद्धि कुछ हो, ऐसी व्यभिचारिणी बुद्धि मेरी नहीं रहेगी, क्योंकि साधु ऐसे जीता है। परिहरि देख जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहोंग। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी की ये मांग है, आपकी कृपा हो जाए तो मुझे साधु स्वभाव में जीने का अवसर मिले। देह जनित तीन चिंता है हमारी, विनय पत्रिका का जो पद है, हमारे शरीर से उत्पन्न होने वाली चिंता तीन है। एक रोग हमारे शरीर से उत्पन्न होता है, सबके शरीर में कुछ न कुछ मात्रा में रोग होता है। कई लोगों ने तो कहा ये रोगालय है, लेकिन अवसर पा करके वो प्रकट होते हैं। तो शरीर से प्रकट होने वाली एक चिंता है रोग, शरीर से प्रकट होने वाली एक दूसरी चिंता है कमजोरी, बूढ़ापा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा शरीर जर्जरित हो जाएगा, ये देह जनित चिंता। और तीसरा मृत्यु, देह न होती तो मृत्यु ना होती। ये चिंता भी देह जनित है। गोस्वामी जी कहते साधु स्वभाव मुझ में आ जाए तो मैं शरीर से उत्पन्न होने वाली ये सभी चिंता छोड़ दूं। शरीर है, आहार विहार का मेरा ध्यान नहीं रहेगा तो शरीर से कोई रोग फूट पड़ेगा। शरीर है, कभी न कभी जीर्ण तो होगा ही। शरीर है, मृत्यु का गास ग्रास बनेगा, लेकिन मैं इस चिंता को छोड़ दूंगा।
जब हो हो। और ये रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के कारण जो सुख और दुख होगा उसको मैं समबुद्धि सहूंगा। अयोध्या में बहुत सुख, लेकिन इतनी ही मात्रा में अब दुख आने वाला है। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। राजा के वचन के खातर राज रस में भंग पड़ा, भगवान का वनवास हुआ। विपिन गबन के वट अनुरागा, सुर सरी उतरी निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बहोरी, बखाना बाल्मीक प्रभु मिलन चित्रकूट जिमि बसे भगवान। प्रभु का वनवास, केवट का अनुराग, भगवान गंगा पार हुए, वाल्मीकि के आश्रम में गए और वाल्मीकि के निर्देश पर प्रभु चित्रकूट में निवास करने लगे। सचिवागवन नगर नृप मरना, श्री कुबीर विरह कछु वरना। सुमंत लौट आए, दशरथ जी ने प्राण त्याग किया, भरत जी आए, पितृक्रिया की, निर्णय हुआ कि अब हम सब राम के पास चित्रकूट जाए, और भरत जी चित्रकूट गए। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, ले पादुका अवध। आखिर में पादुका लेकर भरत जी लौटे, राज्य सिंहासन पर पादुका को प्रस्थापित करके, पादुका की पूजा करके राज्य कार्य करने लगे। गुरु और माँ का आशीर्वाद देकर नंदीग्राम गए, भूमि खनन करके उदासीन व्रत लेकर तपस्वी रूप में भरत जी साधना करने लगे। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनमन भरत को, तुमुनि मन अगम यम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। अयोध्या कांड को भुसुंडी की दृष्टि से विराम दिया गया। उसके बाद भगवान चित्रकूट छोड़कर निकलते हैं। अत्रि आदि मुनिगणों को मिलकर कुंभज ऋषि के मार्गदर्शन में प्रभु गंगा गोदावरी के तट पर पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनिन के त्रासा। भगवान गोदावरी तट पर निवास करे, मुनियों का भय तोड़ा है, फिर राम और लक्ष्मण का संवाद हुआ है, उसके बाद शूर्पणखा आई, उसको कुरूप किया, खरदूषण बध हुआ, उसको निर्वाण पद मिला। शूर्पणखा ने रावण को उकसाया और रावण मारीच को लेकर पुनि माया सीता कर घरना, श्री रघुवीर बिरह कछु वरना। माया जानकी का रावण अपहरण करता है,
जटायु जानकी को बचाने में अपना प्राण का बलिदान करता है। जीवन में अत्यंत प्रकाश, अतिशय प्रकाश भी नुकसानकारक और अतिशय अंधेरा भी नुकसानकारक है। रामचरितमानस के ये दो भाई संपाति और जटायु के जीवन का ही सत्य है। अभिमानवश संपाति सूरज को पकड़ने के लिए आगे आगे गया, अति प्रकाश के पास जाने लगा तो अति प्रकाश ने संपाति की पंखों को जला दिया और रावण अति अंधेरा है, ये अति प्रकाश दिनकर और ये रजनीच अति अंधेरा। रावण रूपी अति अंधेरे ने जटायु की पंखों को काट दी। न अति अंधेरा ठीक है न अति प्रकाश ठीक है, जटायु गिरता है। बड़ी मृत्यु की महिमा वहां गाई है गोस्वामी जी दोहावली में। जटायु के मृत्यु के संबंध में छह दोहे लिखते हैं जिसको मेरी व्यासपीठ मृत्यु षटकम कहती है। मृत्यु षटक कभी चर्चा की है, सात दोहे में मृत्यु की महिमा का गायन किया है। अद्भुत। जटायु का उद्धार हुआ है, उसके बाद प्रभु और लक्ष्मण जानकी की खोज करते हुए कबंध को उद्धार करके शबरी के आश्रम में आते हैं और वहीं से मार्गदर्शन लेकर पंपा सरोवर जाते हैं। वहाँ नारद से साधु की चर्चा होती है, साधु महिमा का गायन होता है जिसकी थोड़ी चर्चा हमने की थी। फिर अरण्य पूरा होता है किष्किंधा में। पुनि सुग्रीव मिताई बालि प्राण कर भंग, हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव जैसा विषयी परम विश्वास के साथ मिल जाता है। बालि को निर्वाण पद प्राप्त हुआ, सुग्रीव राजा हुआ, अंगद युवराज हुआ। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास करने के लिए विराजित हुए, सुग्रीव प्रभु का कार्य भूल गया, सावधान किया। सीता खोज की योजना बनी, तीन टुकड़ी को तीन दिशा में भेज दी। मार्गदर्शक जामवंत जी, नायक अंगद और उसका आखिरी सदस्य श्री हनुमान जी महाराज, उसको दक्षिण दिशा में भेजने का निर्णय लिया गया। सब प्रभु के चरणों में प्रणाम करके माँ जानकी की खोज के लिए निकलते हैं। आखिर में हनुमान जी ने प्रणाम किया, प्रभु को लगा कि कार्य तो ये करेगा, मुद्रिका दी है। सीता की खोज में वो सब निकलते हैं। गहन जंगल में भुलावे में भूख और प्यासे मरण शरण होने की तैयारी, तब हनुमान जी आगे जाकर के स्वयं प्रभा के आश्रम में पहुंचाते हैं। वहीं से सब समुद्र के तट पर पहुंचते हैं। वहां संपाति का मिलन हुआ है। संपाति ने अपनी आत्मकथा सुनाई, जानकी जी कहाँ है वो सब बता दिया। गरुड़ गीत विदा ले गया। अब निर्णय हो चुका कि जानकी जी लंका में अशोक वाटिका में अशोक तरु के नीचे विराजित है। जाए कौन? सब अपने अपने बल की
क्षमता कहने लगे। हनुमान जी माउंट बैठे हैं, जामवंत जी ने आह्वान किया कि हे पवन पुत्र, आप चुप क्यों हैं? आपका कार्य, आपका जन्म तो राम कार्य के लिए है। आप केवल राम नाम में ही डूबे रहे, वो नहीं, राम काम भी आपको करना है राम नाम के साथ। और हनुमान जी पर्वताकार बन जाते। जामवंत जी मार्गदर्शन करते हैं ऐसा ऐसा करना। फिर हनुमान जी सबको प्रणाम करके विदा लेते हैं कि किष्किंधा पूरा होता है और सुंदरकांड का आरंभ होता है। जामवंत के वचन सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सिंधु तीर पर एक सुंदर पर्वत, उस पर चढ़कर अपने मित्रों को प्रणाम करके बार बार गर्जना करके श्री हनुमान जी महाराज जानकी की खोज के लिए यात्रा का आरंभ करते हैं। बीच में जो विघ्न आते हैं आप जानते हैं, मैनाक ने रोकने की कोशिश की, सुरसा ने निगलने की कोशिश की, सिंहिका ने खा जाने की कोशिश की, और आखिर में लंका में प्रवेश करे तब लंकिनी उसको मेरा खोराक है ऐसा करके खाने को उद्धृत हुई। लंकिनी को पता लगा मुझे आज संत का दर्शन हुआ, धन्य हुई। हनुमान जी लंका में माँ जानकी की खोज करते हैं, भक्ति तो नहीं मिली लेकिन एक भक्त मिल गया। खोज थी भक्ति की, मिला भक्त। परम वैष्णवी महामाया जगदम्बा जानकी की खोज थी, मिल गया वैष्णव। और वैष्णव के मार्गदर्शन में श्री हनुमान जी महाराज जानकी तक पहुंच जाते हैं। बीच में रावण आया, ये सब कथा जानते हैं। हनुमान जी महाराज ने राम कथा सुनाई, सब बातें सुनाई, माँ ने आशीर्वाद दिया। फिर हनुमान जी को भूख लगा, भूख लगी, माँ ने मधुर फल खाने की सूचना दी। हनुमान जी ने जो अपना लीला की वो की, बंदी बनाकर हनुमान जी को रावण की सभा में लाए गए, मृत्युदंड का ऐलान हुआ। लेकिन विभीषण ने कहा नीति मना करती है, दूत को मृत्यु दंड न दिया जाए और कोई सजा दी जाए। हनुमान जी को जलाने की चेष्टा की और घर घर से घी तेल कपड़े आए, हनुमान जी की पूंछ पर लपेटे गए और हनुमान जी की पूंछ प्रजाए, नगर फेरी उनी पूछ प्रजारी। जो जानकी का दर्शन करता है, भक्ति का इतना अजर अमरता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को समाज जलाने की कोशिश करेगा ही। और उसकी निष्ठा यदि प्रबल है तो कभी न कभी अंत तो गत्वा समाज की धारणा वो जलकर भस्म हो जाएगी, वो निखर कर बाहर आएगा। गोस्वामी जी कहते हैं उलट पुलट लंका जारी, उसके बाद समुद्र में स्नान करके माँ की शरण में आए। माँ ने चुड़ामणि दिया और कहा कि जल्दी करे, एक महीने में जो नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पा सकोगे। और श्री हनुमान जी ढाढ़स देकर गर्जना करके लौट आए इस तट पर। सब बंदर प्रतीक्षा कर रहे थे, जय जयकार करने लगे। हनुमान जी ने लंका का नया इतिहास रच दिया, बताया। सुग्रीव के पास आए, सब हनुमान जी राम जी के पास आए, और तब जामवंत जी ने हनुमान जी का चरित्र सुनाया।
उसके बाद अब विलंब न किया जाए, सब यात्रा आगे बढ़ी। सागर तट पर सब पहुंचते हैं और गोस्वामी जी बुसुंडी की बोली में कहते हैं, सागर निग्रह कथा सुनाई, सेतु बांध कपि सैन जिमी, उतरी सागर पार गयउ बसीठी वीर बर जेहि विधि बाली कुमार। समुद्र ने 3 दिन जवाब नहीं दिया, आखिर में सेतु निर्माण करने का निर्णय हुआ और प्रभु ने सेतु बनाया, भगवान रामेश्वर भगवान की स्थापना की, लिंग स्थाप विधिवत करी पूजा स्थापना की, शिव और राम का ऐक्य बता करके एक सेतु बताया। मैं बार बार कहता हूँ, राम कथा सेतु बंध की कथा है, जोड़ने की कथा है, तोड़ने की नहीं, संवाद की कथा है, समन्वय की कथा है। लंका कांड का रामेश्वर की स्थापना हुई लंका कांड में और फिर सब लंका में आते हैं, प्रभु सुबेल पर डेरा डालते हैं, बाली पुत्र संधि का प्रस्ताव लेकर जाता है, संधि हुई नहीं, युद्ध अनिवार्य हुआ। गोस्वामी जी भुसुंडी के न्याय से, निशिचर कई सलराई बर निशि विविध प्रकार, कुंभकरण घननाद कर बल पौरुष संघार, निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बध मंदोदरी सोका, राज विभीषण देव अशोका, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन किन्नी अस्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चटि कपिन समेता, अवत चले प्रभु कृपा निकेता, जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए, कहसी बहोरी राम अभिषेका, पुर वर्ण तंद्रुप नीति अनेका, कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। घमासान युद्ध होता है, बड़े बड़े वीर निर्वाण पद प्राप्त कर रहे हैं, आखिर में रावण का निर्वाण हुआ, अंतिम क्रिया हुई, सीता और राम का पुनः मिलन हुआ, पुष्पक में बैठा विराजमान होकर प्रभु अपने साथियों को लेकर अयोध्या के लिए उड़ान भरते हैं। मुनिगणों को मिलते हुए रास्ते में से हनुमान जी को अयोध्या भेज दिया कि भरत को खबर दे दी जाए, और प्रभु का विमान श्रृंगवेरपुर केवट के गांव में गंगा के तट पर उतरता है। उत्तरकांड के आरंभ में भरत की विरह व्यथा का वर्णन है, पूरी अवध विरह में डूबी है, हनुमान जी सबको बचा लेते हैं कि प्रभु आ रहे हैं। भरत जी ने कहा जल्दी करें, अब विलंब न किया जाए। हनुमान जी प्रभु के पास आते हैं कि विलंब न करें, और विमान अयोध्या की पावन भूमि पर उतरता है। प्रभु विमान से उतरे, अपने सखागण मनोहर मनुज शरीर धारण करके नीचे उतरे, जन्मभूमि को प्रणाम किया, गुरुदेव को देखते ही शस्त्र छोड़कर चरण पकड़े। भरत और राम मिले तब निर्णय नहीं हुआ कि दोनों में से किसका वनवास था, सब भाई मिले, सब मिले। गोस्वामी जी कहते हैं 14 साल से पीड़ित जनता इन सब को साक्षात्कार कराने के लिए प्रभु ने ऐश्वर्य लीला की। अमित रूप प्रगटे तेगी काला, जथा जोग
मिले सब की कृपा, यथाजोग सबको प्रभु मिले। माँ कैकेयी के पास पहले गए, सुमित्रा और कौशल्या को मिले, जानकी को देखकर सबकी आंखें भर आईं। गोस्वामी जी कहते हैं सबने स्नान किया करवाया। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों की राय ली कि आज ही राज तिलक कर दे। बोले हाँ प्रभु आज ही कर दे। दिव्य सिंहासन मांगा और विश्व को राम राज्य देते हुए वशिष्ठ जी ने कहा राघव विराजमान होइए। जन्मभूमि को प्रणाम करके कुल के मूल पुरुष भगवान सूर्य को प्रणाम करके, दिशाओं को दिशाओं के देवताओं को प्रणाम करके, जनता को प्रणाम करते, ऋषि मुनियों को साधु संतों को प्रणाम करते, माताओं को प्रणाम करके भगवान राम अयोध्या के सिंहासन पर जानकी सह विराजमान हुए। और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, निविप्रन सब आय सुदिन्हा। सबसे पहले भगवान वशिष्ठ जी ने राम राज्य का राज तिलक किया है। त्रिभुवन में जय जयकार हुआ, ब्राह्मणों को आज्ञा दी, पुरुष सूक्तम का पाठ होने लगा, जय जयकार होने लगा। माताएं आरती उतार रही हैं, आनंद में डूबे हैं। चारों वेद पधार रहे प्रभु की स्तुति करने के लिए। राज दरबार में भगवान की स्तुति करके वेद ब्रह्म भवन चले गए और अवसर देखकर उसी समय भगवान महादेव स्वयं शिवजी पधारे और प्रभु की शिवजी ने स्तुति की। स्तुति के अंत में शिवजी भगवान से याचना करते हैं, बार बार बर मांगहु हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग, बरनी उमापति राम गुण हर्षित गए कैलास, तब प्रभु कपिन यू सब विधि सुख प्रदवास। भक्ति और सदा सत्संग के मांग करके शिव कैलाश गए। भगवान राम ने अपने मित्रों को निवास दिया, राम राज्य की स्थापना हुई। 6 मास बीत गए, हनुमान जी को छोड़कर सभी सखागण अपने अपने स्थान में विदा हो गए। फिर दिव्य राम राज्य का वर्णन है, आप जानते हैं। भगवान राम एक बार नागरिक संबोधन करते हैं और मानव देह की महिमा का गायन करते हैं। एक बार वशिष्ठ जी प्रभु को मिलने गए, वो कथा आई, सनत कुमारों की कथा आई। भरत जी ने संतों की स्वभाव की गाथाएं पूछी, वो कथा आई। परमात्मा की ये लौकिक नरलीला समय मर्यादा पूरी हुई, जानकी जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वैसे 3 भाइयों के घर 2 पुत्र हुए। अयोध्या के वारिस का नाम दिखाकर तुलसी जी ने कथा समस्त भुसुंड बखानी, कथा को विराम दिया। मैं बार बार बोला हूं, जानकी जी का 2री बार का वनवास, जिस कथा में विवाद है, दुर्वाद है, अपवाद है, वो नहीं कही मानस में, क्योंकि ये शास्त्र ही संवाद का शास्त्र है। उसके बाद की कथा तो बाबा कागभुसुंडी जी और गरुड़ की कथा है। गरुड़ जी का, भुसुंडी जी का जीवन चरित्र, गरुड़ का मोह और गरुड़ भुसुंडी के पास कथा सुनने को आते हैं
और आखिर में सप्त प्रश्न पूछते हैं। उसमें एक प्रश्न ये भी पूछा कि हे गुरु, हे बुद्ध पुरुष, संत असंत का भेद आप जानते हैं, मुझे उसका भेद बताइए। वहाँ काकभुसुंडी जी साधु और असाधु के भेद की चर्चा भी करते हैं। समय अभाव से हम उसमें न जाएं। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपत्ति विशाला, आदि आदि। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव। असंत का उदय जगत को कष्ट देता है और संत का उदय विश्व को सुख प्रदान करता है, आदि आदि। साधु की महिमा वहाँ भी गाई गई। और आखिर में भगवान बुद्ध पुरुष काकभुसुंडी जी गरुड़ जी के सामने कथा को विराम दे, शिव जी पार्वती के सामने, याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी के सामने और कलिपावना अवतार गोस्वामी जी मानस अपने मन को सुनाते हुए कथा को विराम देते हैं। तब मानो हम सबके लिए कथा का निचोड़ देते हैं। यह कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमीरिय गाय राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम, जा सुपतित पावन बड़बाना कवि श्रुति संत पुराण। इस कलयुग में हमारे जैसे जीवों के लिए और कोई साधन नहीं, केवल राम ही सुमिरिए, राम को स्मरो, राम को गाओ, राम को सुनो। जिसका नाम इतना पतित पावन है, इतना बड़ा जिसका बाना है कि जिसके नाम के आश्रय से किसको गति नहीं मिली। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि गल खल तारे खना। गोस्वामी जी भी समापन करते हुए आखिर में कहते हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद, तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहो। मो समदीन नदीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहुं मोहि राम। कथा को विराम दे। इससे पूर्व साधु महिमा की जो चर्चा चल रही थी, मुझे पूछा, जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, यह पद बचपन से घर में सिखा हूँ, संशय समन दमन दुख सुख निदान हरि एक, साधु कृपा बिन मिल ही न करिय उपाय अनेक। कोई साधु मिल जाए बाप तो एक गांठ बांध लेना, कोई अच्छा पद मिल जाए तो अपना प्रारब्ध अपना पुरुषार्थ है ऐसी गांठ बांधना, कोई बड़ी कीर्ति मिल जाए
किसी की शुभकामना, किसी के आशीर्वाद हुआ तो हमें ये मिल गया, उसकी गांठ बांधना। लेकिन यहाँ स्पष्ट है साधु महिमा में कि जब कोई साधु मिल जाए तब गांठ बांध लो कि मेरे पर रघुनाथ जी ने परिपूर्ण कृपा कर दी है। पूर्ण रूपेण जब तक परमात्मा द्रवित नहीं होता, साधु संगति नहीं मिलती। तो जो जे मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते पथ चलते सबे सुख पावे। तो साधु की महिमा का हम कुछ यथामति गुरु कृपा से गायन कर रहे थे। आखिर में मैं इतना ही कहूं कि साधु स्वभाव, साधुता, उसका लक्षण विनय पत्रिका में दिखाते हुए गोस्वामी जी ने कहा, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहूंगो। साधु की पहचान यदि करनी है साहब, साधु की महिमा कुछ समझनी है, तो विनय पत्रिका के इन शब्दों पर थोड़ा ध्यान दे। आज कथा के विराम, साधु वो है जथा लाभ संतोष सदा। उसको जो भी लाभ मिले, जो भी मिले, उसमें वो सदा संतोष रखता है। और लाभ के साथ हानि भी जुड़ी है, सुख के साथ दुख भी जुड़ा है, स्तुति के साथ निंदा भी जुड़ी है। जो भी मिले, जिसमें उसी में जो कायम संतुष्ट रहता हो, वो समझना साधु है। और काहूसों कछु न चाहूंगो, गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु मुझे ऐसा साधु स्वभाव दे कि मैं मेरे जीवन में किसी से कुछ भी न चाहूं। अद्भुत बात। साधु कौन? जो जीवन में किसी से कुछ भी नहीं चाहता, ये साधु है। परहित निरत निरंतर, दूसरों के हित करने में निरंतर प्रवृत्त रहता। पतंजलि के यम नियम को निभाते हुए निरंतर दूसरों के सुख में निरंतर रहता है। बहुत महत्व की बात आगे कहते हैं साधु महिमा में, परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनी, ते ही पावक न दहोंगो। हे प्रभु मुझे ऐसा साधु स्वभाव दे कि कोई कितने ही कठोर बचन मुझे सुनाए, परुष बचन अति दुसह, जो सहा न जाए, असह्य हो जाए कि अब हद है, इतने कठोर वाक्य जो दुसह है, ऐसे वाक्य सुनकर भी हे प्रभु मुझ में कभी क्रोध ना आए, ऐसा सुनकर मैं कभी क्रोध की अग्नि में जलू ना, क्योंकि किसी को भी क्रोध आ जाएगा। अत्यंत कठोर वचन, वो भी असह्य बन जाए तब तक आए, फिर भी किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। तुलसीदास जी मांगते हैं हे प्रभु, हे रघुनाथ कृपा कर कि मैं ऐसे समय में भी क्रोध की अग्नि में जलू ना।
मैं शीतल रहूं, मैं शांत रहूं, मैं रसपूर्ण रहूं। विगतमान, मुझे कभी अभिमान ना आए, मैं मान रहित रहूं। सम शीतल मन, मेरा मन कायम शीतल रहे, ठंडा रहे। पर गुण नहीं दोष कहूंगा, दूसरे के दोष और गुण दोनों में मैं कभी नहीं जाऊंगा। उसके गुण है उसको मुबारक, उसके दोष है उसके मुबारक। उसके गुण में जाऊंगा, भीतर से सराहूंगा, लेकिन उसके गुण में जाऊंगा तो मुझे राग हो जाएगा, उसके दोष में जाऊंगा तो मुझे द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष हमें विचलित न करे, इसलिए खुद के गुण दोष और दूसरों के भी गुण दोष जहां तक संभव हो इससे बचे। खुद के गुण दोष से भी बचे, कोई अपनी स्तुति करे इससे बचे, कोई अपने दोष कहे तो कहीं उस पर रोष ना आ जाए इसलिए बचे, और दूसरों के दोष सुनने के लिए अपने मन में उसके प्रति दुर्भाव हो जाएगा, गुण कहीं राग पैदा कर दे, ऐसी स्थिति ना आए। हे प्रभु, ऐसा मेरा स्वभाव तू बना। तो इन दिनों में मेरे भाई बहन, ऐसी साधुता निर्मित करने के लिए, ऐसा साधु स्वभाव प्राप्त करने के लिए मेरे अनुभव में गुरु कृपा से सात वस्तु आती है। सातवें सोपान के समापन में मैं वो सात भूमिका कह करके इस कथा को विराम देना चाहूँ। साधुता क्या है? साधु लाख कोशिश करे छिपाने की, फिर भी एक ऐसी स्थिति है कि साधुता छिपती नहीं। जो मिला है उसे बताऊं कैसे? दो पंक्ति बड़ी प्यारी, जो मिला है उसे बताऊं कैसे? और मुश्किल ये है कि ज्यादा छिपाऊं भी कैसे? जो परमात्मा की कृपा से साधुता मिली है वो साधक कहता है मैं कैसे बताऊं, कौन मानने वाला, कौन समझने वाला? सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि आपकी साधुता को ज्यादा से ज्यादा नहीं समझने वाले आपके निकट के लोग ही होते हैं, वो ही नहीं समझ पाएंगे। जो मिला हूं, मिला है बताऊं कैसे? और मुश्किल ये है कि छुपाऊं भी कैसे? ऐसी साधुता सात भूमिका पर निर्भर रहती है, ऐसा अनुभव में आया है दादा की कृपा से। जिसमें साधुता है उसकी पहली भूमिका होती है विहार भूमिका। विहार शब्द जरा विलास की ओर संकेत करता है, विहार। लेकिन नहीं, ये विहार शब्द मैं उठा रहा हूं भगवान बुद्ध से। बुद्ध ने चार ब्रह्म विहार बताए, प्रसिद्ध है। जैसे बुद्ध के चार आर्य सत्य प्रसिद्ध है, वैसे चार ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये जो चार विचार, जो वैदिक विचार है, जो भगवान पतंजलि ने भी दिए हैं और मानस में भी यत्र तत्र प्राप्त होते हैं,
साधुता की पहली भूमिका है, उसका विहार मैत्री में होता है, उसका निरंतर विहार करुणा में होता है, उसका निरंतर मुदिता में जीवन बीतता है। विहार उसकी भूमिका है साधुता की। संक्षिप्त में दूसरी भूमिका है विवेक। साधु में विवेक बहुत होता है, साधु जैसा विवेक कहीं नहीं मिलेगा। मैं फिर एक बार कहूं, विद्वान पंडित लोग सब पूज्य हैं हम सबके लिए, लेकिन कभी कभी विवेक की कमी दिखती है। है तो बड़े विद्वान, विवेक साधुता की भूमिका है। विवेक तीसरी भूमिका है, वैराग्य भूमिका। साधुता की तीसरी वैराग्य, उसका स्थायी भीतर का भाव वैराग्य होता है। ये आदमी भीड़ में भी अकेला होता है, चेहरे पर गौरव दिखेगा लेकिन कोई उसको ठीक से समझे तो 24 घंटों वो अंदर से गदगद रहता है। ऊपर से गौरव दिखेगा, आह क्या प्रसन्नता, लेकिन भीतर से उसका एक स्थायी भाव है, कायम गदगद, मन गदगद, वाणी गदगद, अकेले में। विहार भूमिका है साधुता की, विवेक भूमिका है साधुता की, साधु महिमा। तीसरी है विराग भूमिका, और चौथी जो गुरु कृपा से मेरी समझ में, अथवा तो गुरु को देखकर जो मैंने पाया है, विचार भूमिका। साधु विचार शून्य नहीं होता, साधु विचारशील होता है। कहहु विवेक विचारी, विचार भूमिका इस साधुता की परख है। तो विहार भूमिका, विवेक भूमिका, वैराग्य भूमिका, विचार भूमिका। पांचवी भूमिका है साधु की विश्वास भूमिका। साधु में जितना विश्वास होता है इतना स्वयं विश्वास में भी विश्वास नहीं होता। विश्वास भोजल कई भरोसो जैने त्रिकम जी तार से, उसकी भूमिका विश्वास की होती। ऐसा मैं समझता हूं। और साधु की एक भूमिका है बालक जैसा विनोदी होता है, जिसे भगवान राम बंदरों से विनोद करते हैं, कौल किनातों से विनोद करते हैं, छोटे छोटे लोगों से विनोद, ये उनकी भूमिका है, ये उनकी बाध्यता है। विनोद भूमिका, वेद वचन, वेद रुक जाए कि इसके बारे में क्या बोले, लेकिन वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन कई सुनत जिमि पितु बालक बैन। विनोद की भूमिका होती है। और साधुता की सातवीं भूमिका होती है बाप, वो है वियोग की भूमिका, कायम वियोग। अब के माधव मोहि उबार, कायम वियोग में ही डूबा रहता है। संयोग और वियोग में साधुता को पसंद करने की बात आए तो साधुता वाला साधु हमेशा वियोग पसंद करेगा, उसकी भूमिका वियोग ही, विरही भूमिका।
मुलाकात हो जाने के बाद फिर क्या क्या जन्म जन्म वियोग, विरहिणी अवस्था। गुरु कृपा से आपके सामने साधु स्वभाव साधु महिमा की बात की तो आखिर में ये मैं आपको एक संबल के रूप में बाथा बंधाता हूँ कि ये सात भूमिका जहाँ देखो समझना पूरी साधुता है। ब्रह्म विहार, विवेक विहार, वैराग, विचार, विश्वास, विनोद, वियोग। मैंने अपनी आंखों से दादा में सब ये भूमिकाएं देखी है। कई संतों में होती है, किसी में सब होती है, किसी में कम होती है, लेकिन होती है। इस साधुता का परिचय है। इन दिनों में साधु की महिमा गाने का अवसर भगवान ने दिया, बड़ी कृपा प्रभु की। आप जैसे जिज्ञासु श्रोता मिले, प्रभु की कृपा। और सबसे इस कथा में विशेष रूप में तो मुझे श्रोता मिले, दादा तो श्रोता बनकर है ही दादा। ये मैं कोई कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा अनुभव कह रहा हूँ। व्यासपीठ छोड़ने से पहले 9 दिन दादा कथा सुन रहे थे, 9 दिन माँ ने कथा सुनी, अमृत माँ ने उसकी चेतना ने से। ये 9 दिवसीय साधु महिमा की कथा पिताजी ने सुनी, ये 9 दिवसीय कथा माँ सावित्री ने सुनी। मुझे कहने दो, ये 9 दिवसीय राम कथा जीवनदास दादा ने सुनी, किन किन ने ये सुनी है? मैं बीच बीच में महसूस कर रहा था कि ये लोग सुन रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप सबने तो सुनी ही सुनी, तो ऐसी साधु महिमा की कथा संवाद के रूप में गाई गई, उसको जब मैं विराम देता हूं तब एक बार फिर इन दोनों पंक्तियों को हम दोहरा रहे। विधि हरिहर कभी को बिद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण गन जैसे। विधि हरिहर कवि को बिद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। कहत साधु महिमा सुपुचान। और हर वक्त 9 दिवसीय कथा पूरी होती है तब जानने जानते अनजाने में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई चूक हो गई हो, इस प्रेम यज्ञ में कहीं कुछ कमी रह गई हो, हम जीव हैं तो इसकी निवृत्ति के लिए, इससे मुक्त होने के लिए
तीन मंत्र हम प्रवाही परंपरा में बोलते हैं, आप सब भी बोलिएगा। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, तो कोई चुक हुई हो, कोई कमी रह गई, कहीं नौ दिन बोलना, कहीं वदवाक्य में कहीं कहीं, तो इसकी निवृत्ति के लिए हमेशा एक हमारी प्रवाही परंपरा रही और सत्कर्म इससे पूर्ण हो जाता है। अब रही बात ये नौ दिन की राम कथा साधु महिमा अर्पण करने की, मैंने पहले दिन भी स्मरण किया था कि राम जी मंदिर में गाई गई नौ दिवसीय कथा, जीवनदास दादा की समाधि और अन्य सभी समाधियां और हमारे साधु परिवार के घरों में कहीं कहीं समाधि है, वो समाधि रामवाड़ी भगवान विश्वनाथ विराजमान है, वहां जितनी समाधियां हैं, इन सभी समाधियों को मुझे ये कथा उसके स्मरण में समर्पित करनी है। साथ साथ इस तलगाजरड़ा गांव के जो जो रामवाड़ी में अग्नि संस्कार प्राप्त किए हैं, जब से गांव बना और आज तक, दो दिन पहले भी मैं कथा पूरी करके जा रहा था तो सूरत का एक तलगाजरड़ा का एक युवक, उसको अटैक आ गया था, कुछ लोग रामवाड़ी में जमा हुए, मैंने देखे तो मैं गाड़ी लेकर गया, क्या हुआ, बोले अपने गांव का एक युवा, उसको सूरत में अटैक आ गया, उसका बॉडी यहाँ ही लाया गया और उसका संस्कार करने आया। तो कल परसों तक गांव के भी जितने लोग रामवाड़ी में और बाहर के लोग, कई लोग यहाँ आकर संस्कार पाए हैं, तो इस सभी चेतनाओं के स्मरण में और खास करके यहाँ बैठे जीवनदास दादा की प्रमुख चेतना के साथ हमारे समग्र साधु समाज की सभी समाधि चेतनाओं को मैं उसके स्मरण में ये राम कथा समर्पित कर देता हूँ, समाधि को निवेदित कर देता हूँ, आप इस बालक की बात को कबूल करें। और आखिर में भगवान नाम का कीर्तन करें, हनुमान जी को विदा दें, इससे पूर्व अब कथा देश काल की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे आगे क्या स्थिति बनती है, क्या नियम बनते हैं खबर नहीं है, लेकिन कथा तो कहनी ही है। तो कुछ दिनों के बाद यदि सब ठीक रहा तो आगे एक कथा फिर लेंगे, कब कौन तारीख वो मैं नहीं बता पाऊंगा, कैसी देश और दुनिया की स्थिति है कोरोना के कारण, और उस समय जो नियम जो होंगे इन सभी को निभाते हुए ये दो कथा, तो पहले इतने दिन तक हरी कथा चली, फिर त्रिभुवन भट्ट की छाया में मानस गुरु वंदना और इस राम मंदिर में साधु महिमा का गायन हुआ, अब आगे की कथा तारीख बारीख बाद में घोषित करेंगे यदि सब ठीक रहा संभव हुआ तो। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि अब जो कथा होगी जब भी हो कुछ दिनों के बाद, कैसा संजोग ये सब देखकर हो, तो अब तलगाजरड़ा की ये तीसरी कथा पिठोरिया हनुमान में होगी।
पिठोरिया हनुमान के सन्मुख, जो वैरागी हनुमान है उसके सन्मुख सभी नियमों को निभाते हुए मैं स्थान बता दूं। अब समय तारीख ये सब काल के गर्भ में है, खबर नहीं, लेकिन अब होगी तो तीसरी कथा कुछ दिनों के बाद जब भी कर पाएंगे। अब पिठोरिया हनुमान वहीं तीसरी कथा का गायन करेंगे। उस समय क्या विषय रखेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, सब ठाकुर जी पर छोड़े देते हैं। लेकिन आपको एक 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 प्रसन्नता भी बनी रहे कि कुछ दिनों के बाद फिर भी राम कथा का गायन होगा, श्रवण करेंगे। तो इतनी ही विनम्र उद्घोषणा के साथ हम हनुमान जी को विदा दें। इससे पहले अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्रीवासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम श्री गोपिकावल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। कथा विसर्जन हो तु है सुनहु वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियावर राम चंद्र प्रिय हो राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो उमापति महादेव प्रिय हो पवन सुत हनुमान प्रिय हो। बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो नौ दिवसीय राम कथा विराम ले रही है एक मिनट के लिए। हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम
हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 ए राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सगीत हृदय बसहुँ सुर बोलिए हनुमान जी महाराज प्रिय हो। तो बाप नवदिवसीय राम कथा मानस साधु महिमा विराम ले रही हैं, जल्दी फिर तीसरी कथा शुरू करेंगे। कब वो आगे से जानकारी दे दी जाएगी। पिठोरिया हनुमान यानी आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानते हैं, गांव के बाहर कौंजली और तलगाजरड़ा के बीच में जो हनुमान जी का स्थान है, जो मेरे पंच हनुमानों में से एक हनुमान है, तो वहाँ कथा होगी। कब उसकी पहले से जानकारी दी जाएगी। तब तक मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। मेरे भाई बहन, आप सब अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। आज के देश काल की स्थिति के अनुसार जो नियम है, जो रहना चाहिए रखना चाहिए, वो खूब संभालिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। फिर एक बार आप सभी को मेरा प्रणाम, जय सियाराम। आखिर में बोलिए, रामचंद्र भगवान प्रिय हो, बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो, सदगुरु भगवान प्रिय हो। ॐ नमः पार्वती पतये हर।
Thank you.
ततो लब्धासो अपरितास उद्विद देवानो यत सदमित बुधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमते रुजूयतां देवानां रातिरविनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान् आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमने वयं अगं मित्रमदितिं दक्षमश्रितम् अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयोपवातु भेषजम् तन्माता पृथिवी तत्पिता तद्ग्रावाण सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विन श्रोतं दिष्णायुवं तमीशानं जगतस्तस्तुशस्पतिं धियं चिन्वामवासे भूमहे वयं उषानो यत वेदसाम सद्हृदे रक्षिता पायुरगद्ध स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्षो अरिष्टमेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुशलस्वा मरुत रुष्णीमातर शुभं यावानो विदधे सुजग्मय अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णे विश्रूयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे पुष्टुवां सस्तनूभिर्यशेम देव हितं यदायुः शतमिन्नु शरदो हन्ति देवा यत्रा नश्चक्राचरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र वितनो भवन्ति मानो मध्यारीशतायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति प्रापश्शान्ति रोषदयशान्ति वनस्पतयशान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति एवायेव एवा यज्ञे एवा इन्द्रः एवाहि भूषण देवाहि देवा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ।